जिले में 105 छिछोड़ा सरना आदिवासियों का विवाह संपन्न कराया गया। जिले के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पाहन पुजारियों द्वारा विवाह की रस्में अदा की गई। ऊटी जिले में 105 जोड़ा सरना आदिवासियों का विवाह संपन्न कराया गया। जिले के बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में पाहन पुजारियों द्वारा विवाह की रस्में अदा की गई। ये सभी जोड़े वैसे लोग हैं जिनका किसी न किसी कारणवश दस्तावेज पूर्ण नहीं होने की वजह से मुख्यमंत्री कन्यादान योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया था। ऐसे अधूरे दस्तावेज की वजह से कई सरकारी योजनाओं का लाभ भी ऐसे परिवारों को नहीं मिल पाता था। जिला प्रशासन और गैर सरकारी संस्था निमित के सहयोग से ऐसे जोड़ों को चिन्हित कर सामूहिक विवाह के लिए तैयार कराया गया। बतौर अभिभावक और मुख्य अतिथि राज्य की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू वीडियो कॉन्फ्रेंस से इस कार्यक्रम में शामिल हुई। ग्रामीण परिवेश में रहने वाले लोगों को निमित संस्था की सचिव निकिता सिन्हा ने सहयोगियों के साथ लीव इन में रहने वाले जोड़ों का सामूहिक विवाह कराने का बीड़ा उठाया। आज के नवविवाहित जुगलों सभी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ एवं उनके सुखद विवाहित जीवन की कामना करती हूँ। प्योरली हैंड टू माउथ ही ये हैं, तो इसलिए इस तरह से जब मैंने देखा तो मुझे लगा कि ये बहुत ही हाईली विमेन सेंट्रिक इशू है जिस पे हमको काम करना चाहिए, क्योंकि अगर औरतें खुश नहीं होंगी, वो मेंटली हैप्पी नहीं होंगी, तब तक हम पूरे अच्छे समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसका प्रायोजन बॉम्बे की एक संस्था कैप्री ग्लोबल ने किया है और उन्होंने इस बात ये जो सामाजिक अभियान चलाया जा रहा है उसकी खूबी से परिचित होके वाकिफ होके इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और इसको इनकरेज करने के लिए इस को पार्टली फंड किया है। लिव इन रिलेशन में रहने वाले हजारों परिवारों के लिए यह कार्यक्रम उम्मीदों भरा रहा, जो जिंदगी भर बिना विवाह के अनिश्चितता और असुरक्षा भरे अंधेरे में जीवन जीने को विवश थे। निमित और उसके सहयोगियों की पहल ने उनके जीवन को रोशनी से भर दिया। आज में बोलते थे कि लोग शादी नहीं हुए, शादी भी नहीं करते हैं, तो कुछ घर में खर्चा वर्चा होता ना, तब ना शादी करेंगे, पैसे की कमजोरी। जैसे कि शादी की जगह में कोई बैठते हैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि शादी नहीं हुआ है, शादी वालों को देखते हैं तो थोड़ा बुरा लगता है हम लोग को भी, हम लोग का शादी हो जाए तो अच्छा लगेगा हमको भी। जिले में एक साथ सामूहिक विवाह कराने से अब 105 परिवारों को सामाजिक सांस्कृतिक और धार्मिक मान्यता भी मिलेगी। साथ ही विवाह का सरकारी निबंधन कराने के बाद इन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ भी दिया जाएगा। गांव समाज में उनको अब सम्मान की नजरों से देखा जाएगा। न्यूज 11 भारत के लिए खूंटी से ज्योत्सना की रिपोर्ट।